जैसे ही आप बाय करते हो स्टॉक नीचे जाता है, और जैसे ही आप बेचते हो स्टॉक उधर से ऊपर जाता है, बाद में टारगेट्स भी देता है। लेकिन ये क्यों होता है ये आज हम फाइंड आउट करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज तक मैंने जो भी आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर की उसके बाद मुझे एक फीडबैक आया कि एंट्रीज थोड़ी हमारी डिले हो रही है। हम जैसे ही एंट्री कर रही है वहाँ से स्टॉक नीचे जा रहा है, ऑप्शंस नीचे जा रहा है। तो ये वीडियो में उसी के लिए बना रहा हूँ कि आपको बाय ऑन डिप कब करना है, ऑप्शंस में एंट्री कब नहीं करनी है। इसी के लिए आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे। मैं आपके साथ चार्ट्स के एनालिसिस सब शेयर करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि आपको लेट एंट्री से कैसे बचना है और स्मूथली एंट्री करके प्रॉपरली डिप में एंट्री करके पैसे कैसे कमाना है, ये हम आज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक साइकोलॉजिकल पार्ट आप समझ लो कि एंट्री लेट क्यों होती है। एक तो आपका एनालिसिस ठीक नहीं रहता, आपका चार्ट आपके चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपने ड्रॉ नहीं किए होते। नहीं तो आपका क्या होता है, 2 से 4 ग्रीन कैंडल आने के बाद आपको क्या लगता है, बहुत मेजर मूवमेंट मैंने मिस किया, फोमो के चक्कर में मेरा पैसा अभी नहीं बनेगा, अभी दिन भर बैठ के क्या करूँ, ऐसा चक्कर में आप क्या करते हो, 3-4 ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद कॉल लेते हो। नहीं तो उल्टा क्या होता है, 3-4 रेड कैंडल्स बनने के बाद आप पुट लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एक नॉर्मल एग्जांपल में हमेशा जैसे बताता हूँ कि 100 का स्टॉक आपका 200 जब जाता है तो आप वहाँ पर जाके बाइंग करते हो, तो ये क्या हुआ, आपका एग्जॉस्टेड मूव हुआ। एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म, उसका जो पावर था, रॉकेट लॉन्चर ही देखो उसका भी एक लिमिट होता है, राइट। तो ऑप्शंस का और स्टॉक का भी एक लिमिट होता है। वहाँ तक जाने के बाद मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ एक पहाड़ का एग्जांपल भी शेयर किया था कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। सेम 3 से 4 ग्रीन कैंडल देके आप बाइंग करते हो, वाइस वर्सा उल्टा भी करते हो। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके चार्ट पे आपको 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगाना पड़ेगा। 20 पीरियड मूविंग एवरेज मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया था, उसमें क्या था, फ्लैट 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक मतलब कोई भी आपका स्टॉक हो, चार्ट हो, ऑप्शंस हो, कोई भी हो, जब मूविंग एवरेज आपका फ्लैट होता है तब मूवमेंट नहीं होती। सेम आपका मूविंग एवरेज 45 डिग्री के एंगल में ऊपर जा रहा है तो उस स्टॉक्स में, उस ऑप्शंस में बाइंग होती है। सेम उल्टा कब होता है, जब मूविंग एवरेज आपका 45 डिग्री के स्लोप में नीचे आता है तब वहाँ पे सेलिंग होती है। लेकिन जब आपका प्राइस मूविंग एवरेज से अवे होता है, थोड़ा बहुत दूर होता है, तो उस टाइम ट्रेड कैसे करना है ये अभी हम देखेंगे। और मुझे ये भी बताना था कि लास्ट 2-3 वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि स्टॉक्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, तो मुझे यही बताना है, ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी, ये वीडियो जब मैंने बनाए थे उसी टाइम मैंने बोला था मेरी स्ट्रैटेजी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक्स के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। स्टॉक में भी सेम कैंडल होती है, सेम साइकोलॉजी होती है, वॉल्यूम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सेम स्ट्रैटेजी आपको सब जगह पर यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस के चार्ट के लिए कुछ अलग, इक्विटी के लिए कुछ अलग, ऐसा नहीं करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक 12 से 13 एग्जाम्पल लिए है कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज का कैसे यूज़ करना है। लेकिन अभी ये बात आप समझ लो कि ये जो अभी मैं चार्ट आपके आपके साथ बैंक निफ्टी के चार्ट शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप उसके उसे बैंक निफ्टी कंसिडर मत करो, आप उसे क्रूड ऑयल भी कंसिडर कर सकते हो, ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हो, निफ्टी भी कंसिडर कर सकते हो और रिलायंस भी कंसिडर कर सकते हो। मुझे बस आपको प्राइस सेक्शन विथ मूविंग एवरेज का कोरिलेशन कैसा है यही बताना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है यूजिंग 20 पीरियड मूविंग एवरेज। ये टोटल एग्जांपल्स है, अभी हम ये देखेंगे और देखेंगे कि आगे जाके आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली कैसे करना है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखो ये एक चार्ट है, कौन सा है उससे कुछ हमें लेना देना नहीं है, एज अ प्राइस एक्शन इसको कंसिडर करो। ये चार्ट आप निफ्टी भी मान सकते हो, बैंक निफ्टी भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इनिशियल कैंडल है, देखो मैं अभी जो कोई भी आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ सबका टाइम फ्रेम 5 मिनट्स ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो मूविंग एवरेज हमने लगाया है ये अपना 20 पीरियड है, ओके। तो स्टॉक यहाँ पे क्या हुआ है, गैप अप हुआ है, तो गैप अप हुआ तो मूविंग एवरेज ऊपर ही आएगा, राइट। मूविंग एवरेज ऊपर आएगा तो 45 डिग्री में ही ऊपर आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी देखो नॉर्मली आपकी गलती क्या होती है, देखो नॉर्मली स्ट्रैटेजीज कैसी होती है कि आपको 5 मिनट्स वेट करना है, 5 मिनट्स के बाद ग्रीन कैंडल आई तो वहाँ पे बाय करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बाय किया, लेट सपोज आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी का कोई भी ऑप्शन अराउंड 400 रुपीज़ में बाय किया ऐसा समझो, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से देखो अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक 10 कैंडल है 5 मिनट्स की जो साइडवेज है, 10 कैंडल मतलब अराउंड आपका 1 घंटा वहाँ पर चला गया, तो आपका प्रीमियम डिके वहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे टाइम आपको क्या करना है, जब आपका प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज से दूर हो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि ये प्राइस ऑटोमेटिकली घूम के कंसोलिडेशन होके 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। लेकिन
ये स्ट्रैटेजी मतलब कोई फिक्स नहीं है, वो पत्थर पे जो लकीर बोलते हैं ऐसा कोई यहाँ पे सीन नहीं है, ये हमेशा चलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन जब चलेगी आपको पता है मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से लेके ज़्यादा रखता हूँ, तो 10 में से 7 बार 6 बार भी वर्क हुआ तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका 20 पीरियड से और प्राइस से थोड़ा डिस्टेंस दूर हो तो आपको वेट करना है। कब तक वेट करना है, आपका स्टॉक जब तक 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास नहीं आता आपको वेट करना है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे 20 पीरियड यहाँ पे आके आपका स्टॉक होल्ड हो गया राइट। आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे होल्ड होता है प्राइस, आपको ग्रीन बार फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपका ग्रीन बार कहाँ पे आया, यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन बार है राइट। फर्स्ट ग्रीन बार आपको मिला वो आपका एंट्री हुआ, जैसे ही वो कैंडल क्लोज होता है वहाँ पे आपको एंट्री करनी है। ओके, और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, रिसेंट स्विंग। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी ये लेवल पे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा दिन का लो, तो आपको ये नहीं करना है। तो जैसे ही मैंने लास्ट स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया था, सेम यहाँ पे करना है, एंट्री टू स्टॉप लॉस आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट सपोज यहाँ पे 100 पॉइंट का अगर आपका डिफरेंस हो, आपको स्टॉप लॉस रिड्यूस करके 50% करना है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ ये जोन में 50% जोन, क्योंकि हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं ले सकते। इसके लिए हमें क्या करना है, 50% क्वांटिटी मतलब लेस करना है, प्राइस लेस करना है। आपका एंट्री यहाँ पे हुआ, एक सेकंड, आपका एंट्री ये कैंडल क्लोज हो गई ना, तो यहाँ पे हो गया आपका एंट्री, ये लेवल आपका हो गया एंट्री लेवल। ओके, स्टॉप लॉस स्विंग लो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, इसलिए आपको ये 50% करना है, तो आपका स्टॉप लॉस ये जोन में आएगा। ठीक है, ये नहीं, आपको इतना नीचे नहीं लगाना है, आपका स्टॉप लॉस ये हुआ। ठीक है, तो अभी कंसिडर करो कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 50 रुपये का है। आपको पता है टारगेट मिनिमम 1:2 लगाना है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, टारगेट आपको 100 रुपीज़ लगाना है। ये सेम आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है। देखो हर दिन कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी आप यूज़ मत करो। मैंने आपसे 2-4 स्ट्रैटेजी आपके साथ जो कुछ शेयर की थी, देखो कुछ बंदे थे सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करके अच्छा पैसा कमा रहे थे, बाद में मैंने ट्रेंड लाइन बताया वो भी यूज़ करके वो मतलब पैसा अच्छा कमा रहे थे, लेकिन उनकी गलती कहाँ पे हुई, उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, POC और जो कुछ भी मैंने वीडियोस बनाए थे, सब 10 के 10 वीडियो एक ही चार्ट पे अप्लाई किए। उनका कन्फ्यूजन कहाँ पे हुआ कि ये देखना है कि वहाँ देखना है, वो पहले एंट्री बता रहा है, वो सेल बता रहा है, स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी बाय बता रही है। तो आप एक क्या करो, कोई तो एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो, आपको मूविंग एवरेज पसंद है, मूविंग एवरेज कंफर्टेबल हो आप वो स्ट्रैटेजी में, तो मूविंग एवरेज पकड़ लो। POC वाली स्ट्रैटेजी आपको चल रही है, आपको 15 दिन से ज़्यादा ट्रेडिंग करके उसमें हो गए, उसमें प्रॉफिटेबल बन गया, तो वो सेम फॉलो करो। ट्रेंड लाइन वाले बंदे ऑप्शंस के चार्ट पे सबसे बेस्ट है, ट्रेंड लाइन फॉलो करो। ये ऐसा कंपलसरी नहीं कि मैंने 10 वीडियो बनाए तो 10 वीडियो आपको एक ही चार्ट पे लगाने हैं। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट चार्ट आपको समझ में आया, इसमें करना क्या है, आपको कोई भी आपका ऑप्शन हो, निफ्टी हो, कुछ भी हो, जब आपका प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज से थोड़ा बहुत दूर होता है आपको वेट करना है। प्राइस घूम फिर के 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तब जाके आपको एंट्री करनी है। जो रिसेंट स्विंग है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन रिसेंट स्विंग थोड़ा बहुत दूर हो तो स्टॉप लॉस आपको 50% करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखो यहाँ पे आपका स्टॉक ओपन हुआ है राइट, ये आपका फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट्स का, लेकिन ये देखो आपका कैंडल कहाँ पे बना है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज से दूर। ओके, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट एग्जांपल बोला था यहाँ पे सेम आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है। आपको वेट करना है जब तक स्टॉक आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास नहीं आए और ग्रीन कैंडल नहीं बनाए, तब तक आपको वेट करना है। तो आपका यहाँ पे एंट्री बना, ये ग्रीन कैंडल तो इतना मतलब मजबूत नहीं है, पावरफुल नहीं है। सेकंड कैंडल देखो, ये वाला आपका पावरफुल कैंडल है राइट। तो आपका ये कैंडल जैसे ही क्लोज होता है आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ पे ई लगा रहा हूँ मैं, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग, तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है, ये इतना ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। टारगेट्स आपको पता है 1:2, मैं अभी ये बार बार रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इन केस अगर आपने ये मॉर्निंग वाला ट्रेड आपने नहीं लिया, आपका मिस हो गया, ऑफिस वाले मेंबर्स आप 10-11 बजे के बाद मार्केट में आए, तो आपका क्या हो सकता है, आप यहाँ से यहाँ तक ये रैली आपने मिस किया होता है, और आपको क्या लगता है कि अभी स्टॉक ने क्या किया, दिन का हाई ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे जाके एंट्री करते हो, लेकिन वेट करना है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास जब प्राइस आता है तो आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर डीप जोन होता है। यहाँ पे आपने एंट्री करी, देखो यहाँ पे मूवमेंट कितना कम है, आपका ऑप्शंस वैसे भी डीके होके होके एंट्री के आसपास नहीं तो थोड़ा बहुत नीचे आता है और आप पैनिक में एग्जिट करते हो, इससे अच्छा थोड़ा वेट करो। स्टॉक मार्केट में पैसा एंट्री से नहीं बनता, पेशेंसली एंट्री करने के बाद ही बनता है, इसलिए थोड़ा वेट करो। मार्केट देखो साल भर खुला रहता है, आप कभी भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन दिन का हाई ब्रेक हुआ कॉल ले लो, दिन का लो ब्रेक हुआ पुट ले लो, ये थोड़ा अभी पॉज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास जब प्राइस आता है आप बाय करो। ठीक है, ये रहा अपना सेकंड एग्जांपल, अभी हम थर्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो
एक सेकंड, यहाँ पे देखो आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज 45 डिग्री के एंगल में नीचे आ रहा है, राइट। तो आपको ऐसे टाइम्स क्या करना है, सेलिंग साइड के ट्रेड फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड कहाँ पे है ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज आपका फ्लैट है, तो आपका ये वाला आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, आपको चुपचाप बैठना है। आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन होके थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया यहाँ पे, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज स्लोप में नीचे आ रहा है। स्लोप का एंगल कितना है, अराउंड 45 डिग्री का एंगल है। आपको क्या करना है, रेड रेड वाली कैंडल फाइंड आउट करनी है, क्यों, मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है। तो आपको रेड कैंडल कहाँ पे मिली, यहाँ पे, जैसे ही कैंडल आपकी क्लोज हो गई यह हुआ आपका एंट्री लेवल। स्टॉप लॉस ये रहा, टारगेट आपका रहेगा 1:2, तो 1:2। देखो ये बैक टेस्टिंग है, ये एनालिसिस है, यहाँ पे आपको टारगेट्स देके खुश नहीं होना है, आपको ये कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करना है। अभी देखो इन केस आपका यहाँ पे टारगेट नहीं आया, तो आपको ये ट्रेड लेके चिपक के नहीं बैठना है वही ट्रेड को। देखो थोड़ी देर बाद जैसे ही आपका स्टॉक यहाँ पे फिर से 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ एक बार, फिर से सेल ऑफ आया, लेकिन इसके बाद फिर से यहाँ पे जब प्राइसेस कैंडल्स 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, तब आपको वेट नहीं करना है कि आपका स्टॉप लॉस जाके ऊपर हिट हो जाए, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली रूल फॉलो करते हो, नहीं होता रूल, मुझे पता है रूल्स किसी से ज़्यादा फॉलो नहीं होते, तो आपके पास दो चांसेस है, दो वे यहाँ पे डील करने के। एक तो आपका एंट्री के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, नहीं तो आप पेशेंस आपके पास है, एक्सपीरियंस ट्रेडर जैसे आप बनोगे तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस के लिए वेट करो, कोई टेंशन नहीं, एक स्टॉप लॉस हिट होता है होने दो, 50 रुपये जाते हैं जाने दो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट ट्रेड देखो, स्टॉक आपका ऊपर चला गया, 20 पीरियड मूविंग एवरेज आपका 45 डिग्री के एंगल में फिर से ऊपर चला गया, राइट। तो आपको यहाँ पे जैसे ही आपका स्टॉक का प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज से दूर है ना, यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है। कब तक वेट करना है, 20 पीरियड के आसपास आपके आपको बुल बार चाहिए। तो यहाँ पे एक हैमर है, इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। चलो आपने ये भी एंट्री मिस कर दी, तो जैसे ही बुल बार रन बनाए ना, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको वही बुल बार के नीचे लगाना है। देखो स्टॉप लॉस को समझो, अभी यहाँ पे बुल बार बनाए इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे एंट्री करके पूरा स्विंग जो पीछे वाला, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। इसलिए थोड़ा आपको जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि स्टॉप लॉसेस कैसे मॉडिफाई करने हैं, ठीक है। तो हमेशा स्विंग लो नहीं लगाना है, अगर आपको बुलिश ग्रीन बार मिले प्रॉपर तो उसके नीचे भी आप लगा के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ट्रेड आपका फ्लॉप हुआ, यहाँ पे हम अभी बैक टेस्टिंग है तो इतना नहीं मानेंगे कि 1:2 मिला ही, लेकिन सेकंड ट्रे मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा कि यहाँ पे 1:2 टारगेट्स मिला है, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देखो, 45 डिग्री एंगल से आपका मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है, लेकिन सडनली एक मूवमेंट ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या करते हो आप, मूवमेंट ऊपर जा रहा है, कैंडल्स आ रही है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है, ये मान के आप यहाँ पे बाइंग करते हो, लेकिन ये नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपका मूविंग एवरेज 45 डिग्री के एंगल में ऊपर जा रहा है, क्या नहीं, यहाँ पे क्या है, सेलर का मार्केट। तो आपको क्या करना है, वेट करना है। कब तक वेट करना है, 20 पीरियड फ्लैट है ना, कुछ मत करो, 20 पीरियड जैसे आपका स्लोप में आ रहा है, ये आपका रेड कैंडल मिल गया, रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर आपका एंट्री मिला, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 1:2 टारगेट्स मिले हैं आपको, रेगुलरली यही करना है। अभी देखो उसके बाद में फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन होके यहाँ पे और एक कैंडल मिली थी आपको, तो यही आप एक फॉलो करो, 20 पीरियड से स्टॉक का प्राइस दूर होता है, वहाँ पे एंट्री मत करो, ठीक है। अभी हम और दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अभी ये एग्जांपल में देखो सेम पैटर्न बना है, स्टॉक आपका मूविंग एवरेज 45 डिग्री के नीचे जा रहा था, आप यहाँ पे ये कैंडल पे अगर आप सेलिंग करते, ओके एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो 100% एक्यूरेसी वाला ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, 100% वाला कोई भी नहीं होता, आप किसी पे डायरेक्टली ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, 100% वाला कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड अपना फ्लॉप हो गया, ठीक है, उससे जाने दो। सेकंड ट्रेड देखो, यहाँ पे 45 डिग्रीज के एंगल में मूविंग एवरेज ऊपर चला गया, ग्रीन बार मिला, यहाँ पे एंट्री बनी, स्टॉप लॉस उसी के नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपको 1:2 टारगेट्स मिले। पहले वाले ट्रेड में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 रुपीज़ चले गए, सेकंड ट्रेड में कितने मिले, 200 रुपीज़ मिले, दिन आपका प्रॉफिट में चला गया, ओके। ये रहा अपना फोर्थ एग्जांपल, अभी हम और देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया है सेम, यहाँ पे क्या हुआ, 20 पीरियड मूविंग एवरेज आपका 45 डिग्री के एंगल में जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्राइस ओपनिंग में ही प्राइस देखो कहाँ पे है, बहुत दूर है मूविंग एवरेज से, इनिशियल कैंडल ही रेड है, इसका मतलब मार्केट में इनिशियल से ही सेलर्स आए हैं। तो इनिशियल सेलर बार जब मिलती है आपको, तो उसका हाई जब तक क्रॉस नहीं होता, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, आपको बाय साइड नहीं जाना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बुल बार का वेट करना है। लेकिन यहाँ पे देखो
बुल बार यहाँ पे कब बनी, यहाँ पे ये बुल बार हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि कंफ्यूजिंग बार है। यहाँ पे बुल बार बनी लेकिन इसका और मूविंग एवरेज का, मूविंग एवरेज का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको वेट करना है, कब तक वेट करना है, जब तक आपका मूविंग एवरेज स्लोप में नहीं चला जाए। तो यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज स्लोप में चला गया, ये आपका रेड कैंडल मिल गया, सेम आपको फिर से यहाँ पे एक ट्रेड मिला, स्टॉप लॉस मिला, एंट्री मिला, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया, ठीक है। फाइव हो गए, और देखते हैं, चलो सिक्स्थ एग्जांपल देखो, सेम पैटर्न है, मूविंग एवरेज से बहुत दूर आपका स्टॉक ओपन हुआ है। आपका क्या करेगा ऐसे टाइम, स्टॉक आपका मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। अगर आपको ट्रेंड लाइन वाला स्ट्रैटेजी समझ आया है, जो मैंने ऑप्शंस का बताया था वो अगर आपने समझ में आया होगा, तो आप ऐसे टाइम क्या करोगे, हाँ ओके, तो मैंने जो ट्रेंड लाइन वाला स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस किया था ऑप्शंस वाला, तो ऐसे टाइम आपको क्या करना है, जब आपका प्राइस मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर हो, तो ऐसे टाइम क्या करना है, यहाँ पे एक चांस है कि मार्केट नीचे आ सकता है। तो ऐसे टाइम आपको क्या करना है, जो ट्रेंड लाइन वाला मैंने स्ट्रैटेजी बताया था, ऑप्शंस का चार्ट ओपन करना है, कौन सा, कॉल का, अगर आप ऑप्शन सेलर हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको पुट का चार्ट ओपन करना है, और ये मूवमेंट कैप्चर करने के लिए आपको वहाँ पे ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करनी है, और आपको पक्का मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, जब आपका स्टॉक 20 पीरियड से दूर होता है, तो आपको चुपचाप बैठना नहीं है कि स्टॉक नीचे आएगा 20 पीरियड तक नीचे आएगा। आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, लेकिन कौन से बेसिस पे, ट्रेंड लाइन बेसिस पे। ट्रेंड लाइन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट ट्रेड तो आपको समझ में आया कि कैसे करना है, आपको वेट करना है। यहाँ पे देखो, वेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बुलिश बार मिली है, ठीक है। एंट्री करोगे, कोई बात नहीं, एंट्री करो, स्टॉप लॉस हिट हो गया, जाने दो। उसके बाद क्या हुआ, मूविंग एवरेज आपका नीचे जाना चालू हुआ, ओके। मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रेक कब हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, राइट। ये हो गया आपका एंट्री। तो ऐसे टाइम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाने, देखो कैंडल का एवरेज साइज देखो, बाकी कैंडल्स के कंपेयर से थोड़ा छोटा है, राइट। तो ऐसे टाइम आप इतना छोटा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। ऐसे टाइम आपको क्या करना है, जैसे ही आप एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस आपका रिसेंट स्विंग होगा, एंट्री यहाँ पे बनेगी। टारगेट्स आपको पता है, 1:2 हमारा कंपलसरी रहता है, ठीक है। ये रहा अपना सिक्स एग्जाम्पल, अभी हम और देखेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जैसे मैंने थ्योरी में बताया था अभी, कि दो चार रेड कैंडल बनती है, आप जाके पुट लेते हो, आपको लगता है कि मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, लेकिन वो और ज़्यादा गिरता नहीं है। वो क्या होता है, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, और मार्केट कहाँ तक गया, 20 पीरियड। एक आसान भाषा में बताऊँ तो ग्रेविटी, वो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेट। तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज एज अ मैग्नेट यूज़ वर्क होता है, वो प्राइस को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन 10 में से 8-7 बार भी चला तो अपना काम बन जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो कि ये डेली चलेगा ऐसा वाला स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन जब चलता है 1:2 देता है, जब खराब होता है तो 1:1 लॉस होकर आप बाहर निकल जाते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, 20 पीरियड का स्लोप ऑलरेडी डाउन है, राइट। तो ऐसे टाइम आपको स्टॉक आपका 20 पीरियड के ऊपर कितना भी डांस करे, कितना भी स्टे करे, आपको वहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही रेड कैंडल्स बनना चालू हो गए, ये हो गया आपका एंट्री जोन। मैं जोन क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी बंदा एक कैंडल में यहाँ पुट नहीं लेगा, वो थोड़ा सोचेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना थोड़ा सा कवर हुआ है मार्केट, तो उसको लग सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, गैप फिलिंग के लिए जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं एक जोन बोल रहा हूँ, कोई भी बंदा, मैं स्ट्रैटेजी अभी बता रहा हूँ, आपको इजी लग सकती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका सेलर जोन हो गया, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है सेल साइड। आपका स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग कहाँ पे, यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस, टारगेट्स आपको पता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो टारगेट्स। अभी 7 हो गए, 8 चार्ट। अभी यहाँ पे देखो, हाँ सेम अभी चार्ट हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऑलरेडी इतना गैप डाउन हुआ था, 3-4 रेड कैंडल जैसी मार्केट में बनाई, रिटेलर्स कूद गए, उनको लगा और ज़्यादा नीचे जाएगा, हमारा 100 का पुट 200 300 400 जाएगा, वो फंस गए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, अभी मैंने कैसे बोला था आपको 2-3 मिनट पहले, कि 10 में से 8-9 बार स्ट्रैटेजी चल सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, एक 5-10 मिनट में उसने क्या किया, प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। तो इन केस अगर आप 20 SA में वेट करोगे, अगर आप डिप का वेट करोगे, तो उस दिन आपको यहाँ पे डिप नहीं मिला था, लेकिन अराउंड 1 बजे के आसपास यहाँ पे देखो एंट्री बनाए, ये कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद फिर से आपका मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चला गया, ये आपका होगा एंट्री लेवल। आप यहाँ पे स्टॉक प्लस आपका बुल बार के नीचे, क्यों बुल बार के नीचे, कंपेयर टू प्रीवियस बार्स ये बुल बार स्ट्रांग है, ठीक है। ऐसे टाइम आपको स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर करना है, एंट्री यहाँ पे बनी, स्टॉप लॉस यहाँ पे बना, और अराउंड यहाँ पे 1:2 टारगेट्स मिल गए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ
अगर आप पेशेंसली बैठे हो तो आपको यहाँ पे पैसा बनेगा, लेकिन इन केस ये स्ट्रेटेजी यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने POC बेसिस पे, नहीं तो ट्रेन लाइन के बेसिस पे एंट्री किया होता तो आपको यहाँ पे पक्का एंट्री मिलती। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अभी ये देखो, मूविंग एवरेज से आपका स्टॉक कहाँ पे, यहाँ पे दूर है, राइट। आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे, आपको वेट करना है। अभी वेट करोगे, वेट करोगे, आपको यहाँ पे एक बुलिश बार मिला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये अभी बताता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ तक मूवमेंट गया है मार्केट का, राइट। जैसे मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर डायरेक्टली नीचे नहीं जाता, तो अगर आप यहाँ पे लॉजिक लगाओगे, सेम मूविंग एवरेज का कंसेप्ट आप दिन भर आपको नहीं लगाना है। आप कहीं भी कभी भी उठ के आ जाओगे 3 बजे, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे, नहीं चलेगा। एग्जॉस्टेड मार्केट में भी ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा। एग्जॉस्टेड मार्केट मतलब देखो, कल का ये 2 बजे का मूवमेंट है, अराउंड कहाँ पे था, अराउंड 40,000 के आसपास ये मार्केट था। 40,000 से लेके 40,600, 600 पॉइंट मूवमेंट के बाद आप अगर ऐसे स्ट्रैटेजीज यहाँ पे डिप्लॉय करोगे, आपको स्टॉप लॉस पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, अभी हम नेक्स्ट डे कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट बार बुलिश बार है, ओके, लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेज आपका फ्लैट बन रहा है। आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज आपका 45 डिग्रीज़ के एंगल के लिए वेट करना है। जैसे ही 45 डिग्री का एंगल बना, आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हो, रेड कैंडल देख के। स्टॉप लॉस आपका हो गया स्विंग बेसिस पे। ठीक है, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। आप क्या करो, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे ही मैं स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपको क्या करना है, थोड़ा एनालिसिस खुद का भी करना है। 1-2 महीने का आपका चार्ट्स, ओल्ड चार्ट्स देख के ट्राई करना है। और जब आप ट्रेडिंग करना चालू करोगे, 1 लॉट 2 लॉट इतने से चालू करो। और एक पेपर ट्रेडिंग, और जो डेमो अकाउंट वाले मेंबर्स हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, आप मार्केट में जब भी आते हो, कैपिटल, एक जनरल में बोल रहा हूँ कि कैपिटल आप 30,000 से लेके 50,000 रुपीज़ एज अ ऑप्शन बायर लेके मार्केट में आते हो, लेकिन जब आप वो डेमो अकाउंट में यूज़ करते हो, तो उस टाइम 1 लाख 5 लाख 10 लाख इतना पैसा क्यों खर्चा करते हो। रियल ट्रेडिंग आपको करना है 1 लॉट से 2 लॉट इनिशियल में, राइट, क्योंकि इनिशियल में ज़्यादा कैपिटल हम डिप्लॉय नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप वो डीमो अकाउंट यूज़ करना चालू करते हो, 1-1 लाख के कॉल, 2-2 लाख के पुट, क्वांटिटी बोल रहा हूँ मैं, इतना क्वांटिटी में करते हो, तो ये गलती मत करो। वो डेमो अकाउंट जो होता है वो आपको थोड़ा बूस्ट करता है, लेकिन वो बूस्ट कुछ काम का नहीं है। आप रियल में 40-50,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो, और वो डेमो अकाउंट में आप 10-20 लाख के कॉल उठाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उधर भी 1 ही लॉट लेना। ठीक है, तो ये हमारा 10th एग्जाम्पल। और हम देखेंगे यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है, स्टॉक आपका नीचे आ रहा है, कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, राइट। यहाँ पे आपको एक मौका मिला, यहाँ पे एक मौका मिला, यहाँ पे देखो, लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ से लेके देखो मार्केट यहाँ तक नीचे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे जाके ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई नहीं करनी, यहाँ पे जाके रेड कैंडल्स फाइंड आउट नहीं करने। यहाँ पे 1 टच हुआ, 2 टच हुआ, 3 टच हुए, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ टाइम आप अप्लाई करने स्ट्रैटेजी चले जाओगे तो आपका लॉस होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है मार्केट, ये समझ लो आप। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ पे जाके सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई मत करो। थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है ना, होने दो, लेकिन ये कंसोलिडेशन में भी आपको यहाँ पे देखो एक एंट्री मिला, यहाँ पे देखो 20 पीरियड मूविंग एवरेज, यहाँ पे हॉल्ट हॉल्ट हुआ, प्राइस हॉल्ट हुई, प्राइस ने वहाँ पे सपोर्ट देना चालू किया। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, आपका एंट्री बना, स्टॉप लॉस सेम यहाँ पे नीचे 1:2 टारगेट्स के लिए आपको अप्लाई करना है। सेम यहाँ पे देखो, थोड़ी देर बाद मूविंग एवरेज फिर से नीचे जाना चालू हुआ, तो आपको क्या करना है, फिर से रेड कैंडल्स फाइंड आउट करनी है जो मूविंग एवरेज के आसपास हो। तो रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी, लेकिन ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी है, एंट्री हो गई आपकी, स्टॉप लॉस उसी के थोड़ा ऊपर, स्विंग आई के ऊपर 1:2 टारगेट। सेम कंसेप्ट आपको रेगुलरली यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जानबूझ के पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, अभी यहाँ क्यों ड्रॉ करके रखी है, ये देखो, यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज का स्लोप देखो, यहाँ पे 45 डिग्री में नहीं है, यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट है, तो हमें कुछ नहीं करना है। पहले मैंने 20 पीरियड मूविंग एवरेज का डिस्कस किया है। यहाँ पे देखो, पिछले दिन तो ट्रेंडिंग में था, यहाँ पे 1-2 ने एंट्रीज बनी ये लेवल में, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, नेक्स्ट डे आपका मूविंग एवरेज फ्लैट है, फ्लैट है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, 2 पॉइंट्स मिल गए, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, राइट, यहाँ पे और एक ट्रेन लाइन आपकी ड्रॉ करी, यहाँ पे ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, कन्फर्मेशन नंबर 1। कन्फर्मेशन नंबर 2 क्या है, मूविंग एवरेज आपका नीचे जा रहा है 45 डिग्रीज के एंगल में, तो आप ऐसे ट्रेड्स ले सकते हो। 1:2 क्या 3 भी मिलेंगे, आप उतना वेट नहीं करोगे, मुझे पता है, मैं खुद नहीं करता, 1:2 निकल लेके बाहर निकलो। चलो लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एक जो कोई भी मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, उसके साथ आप एक नहीं तो 2 ही पॉइंट उसके साथ आप मिक्स करो। जैसे आप मूविंग एवरेज अभी मैं बता रहा हूँ, इसके साथ आपको क्या अप्लाई करना है,
ट्रेन लाइन वाला अप्लाई कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मूविंग एवरेज भी लगाना है आपको, POC भी लगाना है आपका खुद का, कुछ वो इचिमोकु क्लाउड और दो तीन है ना वो बुलिंजर बैंड, ये सब कुछ अप्लाई करोगे ना तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी आसान में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम मूविंग एवरेज से प्राइस आपका दूर है, ग्रीन कैंडल देख के बाय करोगे, ग्रीन कैंडल देख के बाय करोगे फंसोगे, कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है जाने दो। उसके बाद क्या हुआ, एंट्री कम करना है, ये देखेंगे अभी मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आया लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया गया नहीं, जाने दो, ठीक है। मूविंग एवरेज यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे जाना चालू हुआ 45 डिग्रीज के एंगल में, और आपने क्या किया यहाँ पे एक रेड कैंडल देख के आप यहाँ पे शॉर्ट जाओगे, लकीली यहाँ पे ये रेड कैंडल नहीं है, हम इसे प्रॉपर रेड कैंडल नहीं मानते। और बेसिक्स क्या मैंने पढ़ाए थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है ये मैंने पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पढ़ाए, सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे, जो प्रीवियस क्लोजिंग है ये आपका हो गया सपोर्ट, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी एक बुलिश कैंडल बन के यहाँ से यहाँ मार्केट गया, तो आपको ऐसे टाइम जब मार्केट सपोर्ट के आसपास हो ऐसे टाइम भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करनी है, लेकिन इन केस इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, गलती कर सकते हैं, तो ये ट्रेड इन केस अगर आपने ये रेड कैंडल देख के यहाँ पे ट्रेड करा तो हम इसे एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे, जाने दो, स्टॉप लॉस तो सबका हिट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर से कंसोलिडेशन होना चालू हुआ, कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर, 20 पीरियड मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, आपको यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो, कोई भी ग्रीन कैंडल देखो बाय करो, ये आपका लेकिन क्या हुआ बाय जोन, जोन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन होना चालू हुआ, 20 पीरियड मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाना चालू हुआ, तो ऐसे टाइम मार्केट ट्रेंडिंग होता है, एक हिंट है आप ध्यान में रखो, ठीक है। आपका ये हो गया एंट्री लेवल, ये हो गया आपका एंट्री जोन, डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर ही लाइन ड्रॉ करी। एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज आपका यहाँ तक था लो उसका, राइट, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस थोड़ा लगा सकते हो, टारगेट्स 1:2, ठीक है। तो ये ओल्ड एग्जाम्पल से आपको देखने में अच्छे लग सकते हैं, लगे हुए होंगे, लेकिन आप ट्रेडिंग करते टाइम इतना फोकस देके आपको ट्रेडिंग करना है कि आपको कंपलसरी वेट करना है, जब तक आपका मूविंग एवरेज के पास प्राइस नहीं आता आप ट्रेडिंग अवॉइड करो। आप एक मंथ ट्राई करके देखो, आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्या अभी 3:30 हो गए मार्केट, अभी आज का ट्रेड्स मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि मैंने आज क्या किया है और क्या नहीं, और आई थिंक कल से नहीं तो आज शाम में ही हम लाइव सेशन चालू करने वाले हैं 9 बजे, तो मैं सबको इनवाइट करता हूँ कि आप 9 बजे वहाँ पे आ जाओ, हम डिस्कस करेंगे कि आज मैंने ट्रेड कैसे किया, मेरे स्टॉप लॉस लगाए थे तो कहाँ लगाए थे, हिट हुए कि नहीं, मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट वो मैटर नहीं करता, मैंने पहले बताया वो मेरा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आएगा, लेकिन मेरा जो नॉलेज है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आज से नहीं तो कल से 9 बजे से हम रेगुलरली लाइव सेशंस करेंगे, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, आपको पता है, कमेंट करना है, और आपको क्या करना है, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, क्या है आप मेरी जो सब कुछ स्ट्रैटेजी है वो सब अलाइन है, मतलब एक स्ट्रैटेजी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अभी मूविंग एवरेज है, इसमें हमने ट्रेंड लाइन लगाई लेकिन हमने इस पर POC नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि POC लगाएंगे सब लगाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो के साथ साथ मेरा पिछले वाले जो वीडियोज़ है वो भी देखो, तो आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मेरा एंट्री और एग्जिट लेवल्स कौन से बेसिस पे मैं एंट्री करता हूँ, कौन से बेसिस पे एग्जिट करता हूँ, ये आपको डिटेल में समझ आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक और कमेंट करना है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग।